हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सेफ होंगे। और सब लोग देखिए देखिए, आज बिल्कुल यूनिक रेसिपी है। इतनी यूनिक है कि इंडिया में तो खैर जाहिर बात है यूनिक होगी, इंडिया का तो खाना है ही नहीं है। ये लेबनीज खाना है, इसका नाम है सलेमह शे। और ये बहुत ज़्यादा यानी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को खुद ही पता चल जाएगा कितनी ज़्यादा ये डिलीशियस रेसिपी है और इतनी इजी रेसिपी है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और चलिए फिर चलते हैं मेरी वीडियो की तरफ। और उससे पहले कुछ कहना चाहती हूँ, मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, प्यार दें अपना मेरी वीडियोज़ को, और लाइक करें मेरी वीडियो को, शेयर करें लोगों में, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरी वीडियो को। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो हम लोगों के यहाँ चने की दाल होती है, मैंने वो आधा कप ले ली थी चने की दाल, आधा कप चने की दाल, आधा कप चावल। ऐसा होता है कि अगर आपको चावल ज़्यादा पसंद तो आप चावल, इस रेसिपी में ऐसा ही होता है, आपको चावल ज़्यादा पसंद तो आप चावल ऐड ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको दाल ज़्यादा पसंद तो ज़्यादा दाल ऐड कर सकते हैं, आप अगर यानी कि कोरिएंडर पसंद ज़्यादा तो आप वो भी ज़्यादा, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन जितना मैंने यूज़ किया मैं उतना आपको बता रही हूँ। मैंने आधा गिलास चने की दाल ली, आधा गिलास चावल लिए, और ये बगदूने से इसे बोलते, लेकिन ये इंडिया में होता नहीं शायद, लेकिन इसके अलावा आप धनिया डाल सकते हैं। तो मैंने धनिया, एक पूरी धनिया आप 10 रुपए की मंगवा ली, उतनी आप यूज़ कर सकते हैं। 2 टमाटर मैंने लिए थे मीडियम साइज़ के, वो ऐड किए थे, और 2 गार्लिक ली थी, गार्लिक की 2 क्लोव्स लिए थे, यानी कि 2 गार्लिक के वही मतलब 2 टुकड़े लिए थे, और उसको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया था और उसके अंदर ऐड कर दिया। अब ऐड करने के बाद इसके अंदर मैंने क्या ऐड किया, वो तो मैंने लेबनीज स्पाइसेस का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप उसके अंदर क्या ऐड कर सकते हैं मैं बताती हूँ आपको। आप थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर यानी कि जीरे का पाउडर चुटकी भर ऐड कर सकते हैं, नींबू एक ऐड करिएगा, और नमक स्वाद अनुसार आपको ऐड करना है। और जिस तरीके से मैंने सलेमह शे पालक के तरीके होता है, तो मैंने वो पालक नहीं होते, पालक के तरीके होता, तो आप पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके अंदर थोड़ा सा लगा के, जिस तरीके से मैंने रोल बनाया दिखाया है आपको, उस तरीके से आपको रोल बनाने हैं, छोटे छोटे से रोल और बराबर होने चाहिए। और नीचे मैंने जो भगोना था उसके नीचे मैंने आलू राउंड राउंड कट कर दिए, उसके अंदर वो बिछा दिए, उसके ऊपर मैंने सारे सलेमह शे रख दिए, उसके बीच में एक डेकोरेशन के लिए पोटैटो ऐड किया है, और अच्छा खासा मैंने 4 नींबू का इस्तेमाल किया, 4 नींबू के साथ अंगूर का जूस होता है वो इसके अंदर ऐड किया। अब आप लोग इसकी शक्ल देखिए कितनी डिलीशियस लग रही है, और बिना विदाउट इंग्रेडिएंट्स यानी ज़्यादा विदाउट स्पाइसेस के आप इतना बढ़िया खाना बना सकते। देखिए शक्ल भी देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, इतनी मेहनत की है आप लोगों के लिए, तो ज़रूर एक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ज़रूर से ज़रूर बेल आइकन हिट कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँच सके। और ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, मेरी ये रेसिपी ब्यूटीफुल सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने बड़ों का ख्याल रखें। बाय बाय।